अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके लिए मैंगो कस्टर्ड ज्वैली की रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। 2 कप मैंने गर्म पानी लिया है। अब मैं इसमें ज्वैली डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप अगर ज्वैली में चीनी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें चीनी नहीं डाल रही। जी जैली हो गई है मेरी रेडी। अब मैं इसको फ्रीज कर दूंगी 3 से 5 मिनट्स के लिए। अब मैंने 1/2 कप दूध लिया है, इसमें मैं 3 टेबलस्पून कस्टर्ड डालूंगी। कुछ लोग होते हैं दूध को बॉईल करके ऐसे ही कस्टर्ड पाउडर डाल देते हैं, लेकिन नहीं, हम ऐसे नहीं डालेंगे। हम पहले इसको अच्छे से दूध में मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसको डालेंगे। मैंने 4 कप दूध ले लिया। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड डालूंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी। ऐसे कस्टर्ड खराब हो जाता अगर हम इसको मिक्स ना करें अच्छे से। तो अब इसमें 5 टेबलस्पून चीनी डालूंगी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा डिश में डाल रही हूँ कस्टर्ड, इसको मैं चिल करूँगी। कस्टर्ड मेरा चिल हो गया है। अब मैंने इसको बिस्किट्स लिए हैं, कुछ मैरी बिस्किट्स लिए थे, मैंने इसको चॉप कर लिया था। मैं इसको कस्टर्ड के ऊपर डालूँगी बिस्किट्स को। और कुछ फ्रूट्स लिए हैं, एप्पल और मैंगो, कोई सा भी आप फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट के बाद अब मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लूँगी बिस्किट्स, फिर थोड़े से स्प्रिंकल्स कर लूँगी बिस्किट्स को। और अब मैं इसमें डालूँगी क्रीम। आप इस कस्टर्ड को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही यम्मी यम्मी सा कस्टर्ड है। अब मैं इसके ऊपर कस्टर्ड डालूंगी और स्ट्रॉबेरी जैली जो मैंने रेडी की थी अब मैं इसके ऊपर ये डाल दूंगी। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मत भूलिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।